वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्राइप पेमेंट को किस तरीके से नेक्स्ट जेएस 13.4 के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो इन क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड के अंदर किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म हो सकता है। अगर आप बाय दिस इमेज की बार आप क्लिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी जल्दी अपना जो स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे है वो निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हो, जैसे मैंने ये वाली ईमेल आईडी डाल दी, हकमा हरबाई और ये वाला। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो अपना एक टेस्टिंग मोड है उसको मैं इनेबल कर रहा हूँ। और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ समथिंग, जैसे ही मैंने पे के ऊपर क्लिक किया थोड़ी देर के अंदर इसकी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है। और प्रोसेसिंग परफॉर्म होने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का देखने के लिए मिल जाएगा, इसका मतलब है सक्सेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेशन आईडी भी आपको मिल चुकी है। ये पेमेंट जो है आपका इस जगह पे आ जाएगा। अगर आप स्ट्राइप की पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन करके रखा है तो मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद थोड़ा समय ले रहा है स्ट्राइप का पेमेंट गेट पे। स्ट्राइप का ऑफिशियल वेबसाइट पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्लो है, लेकिन काफ़ी बार ये प्रॉब्लम देती है आपको। आप यहाँ पे पेमेंट के अंदर जाइए और आप जैसे ही आप पेमेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सारे जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है जो आपने पहले परफॉर्म किए होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले 17:20 अभी 17:21 टाइम हो रहा है, हगमा भाई आर वाई जो आपने किया था उसके नाम से। और जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा डबल क्लिक, तो डबल क्लिक के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। पेमेंट का मेथड निकल के आ जाएगा और वो उसका नंबर निकल, जो नाम था वो नाम निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी और इसको देखेंगे किस तरीके से आप नेक्स्ट जेएस 13.4 के साथ आप इसको बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है इसके अंदर आपको बनाने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ से इस कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में आके आपको पेस्ट कर देना है और डॉट लिख के आपको इसका जो बेसिक सेटअप है वो अपने को कंप्लीट करना है। कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पे नो और यस, नो, यस, यस, यस और इस तरीके से आपको दे देना है, ठीक है। थोड़ा सा समय लेगा स्ट्राइप जी अपना सेटअप होने में। नेक्स्ट जेएस 13.4 होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको सक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर लिख देना आपको npm run dev और अपना ये जो प्रोग्राम है, मतलब जो अपना ऐप है जिसको आपने बनाया है अभी थोड़ी देर पहले सेटअप किया है, ये अपना चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 3000 पे इसका बेसिक सेटअप कुछ अभी थोड़ी देर के अंदर निकल के आ जाएगा। लोकल होस्ट 3000, थोड़ा सा समय ले रहा है बट डेफिनेटली ये काम कर जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये अपना हो गया बेसिक सेटअप कि किस तरीके से अपना जो है नेक्स्ट जेएस का कंप्लीट बेसिक सेटअप अपना दिखाई देता है। अभी यहाँ पे जाना है अपने को, page.js SRC के अंदर global.css को मैं हटा रहा हूँ, page.module.css में से भी इसको निकाल रहा हूँ। तो अभी आप जाओगे कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगी अपनी वर्चुअल की इमेज। इसके अंदर मैं styles.main
मिनिमम हाइट कुछ इस प्रकार से इमेज आपको सेंटर पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे अपने को एक बटन भी देना है ना, स्टाइल्स डॉट बटन। अभी देखते हैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। ओके ठीक है, अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। और आप थोड़ा सा अगर आप और स्टाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टाइलिंग वगैरह जो भी है परफॉर्म आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको स्ट्राइप के अंदर आने के बाद सेटिंग के अंदर जाना है। थोड़ा सा समय लेता है सेटिंग के अंदर जाने के लिए, लेकिन काफ़ी जल्दी ये चला जाता है। चेकआउट एंड पेमेंट के अंदर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल क्लाइंट ओनली इंटीग्रेशन। आप उसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे अभी डिसेबल का ऑप्शन मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनेबल करके रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और डेवलपर के अंदर आपको जाना है। डेवलपर के अंदर जाने पर आपको क्या होगा, नीचे अगर आप आओगे ना तो यहाँ पर ए पी आई के अंदर आप जाना। ए पी आई के अंदर आपको पब्लिशेबल की और यहाँ पर सीक्रेट की दोनों देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको केवल पब्लिशेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जो पेज है मतलब अपना जो ऐप है उसके अंदर आपको वापस आना है। यहाँ पे आपको इस पेज डॉट जेएस के अंदर कुछ चीज़ों को परफॉर्म करना है। काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको एक पैकेज की ज़रूरत पड़ती है। उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, इसको दूसरे उसके अंदर खोलेंगे। और अगर आप यहाँ पर जाओगे सबसे पहले इस जगह पर एन पी एम स्ट्राइप जे एस, इस तरीके से आप गूगल पर लिखना, ये वाला पैकेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे थोड़ी देर के अंदर अपना इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अपना बटन है इसके ऊपर आपको ऑन क्लिक लगाना है। अब इसको अगर ऑन क्लिक लगाना है तो अपने को यहाँ पे इसको यूज क्लाइंट देना पड़ेगा, जिससे फ्रंट एंड मतलब जो अपना फ्रंट एंड टाइप में आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अपना जो ये वाला कंपोनेंट है वो सर्वर कंपोनेंट से क्लाइंट कंपोनेंट कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद आपको एक फाइल बना लेनी है। यहाँ पे मैं इस एस आर सी के अंदर, या फिर मैं चलो एस आर सी के अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ, जिसका मैं यहाँ पर नाम दूंगा चेकआउट डॉट जे एस। इसके अंदर मैं पूरा जो कोड है वो मैं लिखने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक सा कोड है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन चेकआउट, और यहाँ पे इसको इस तरीके से बना देना। ये हो गया आपका बेसिक फंक्शन। अब आपको किस चीज़ को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नहीं करना, अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम स्ट्राइप जे एस, यहाँ से आपको लेना है लोड स्ट्राइप, इसके अंदर आना है और यहाँ पे लेफ स्ट्राइप प्रॉमिस नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया।
और नल, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू नल है। और यहाँ पे लेट गेट स्ट्राइप नाम से एक फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करके देगा अपने को, ये चेक करेगा सबसे पहले तो क्या अगर स्ट्राइप का प्रॉमिस नहीं है, स्ट्राइप के अंदर प्रॉमिस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या कर दो आप, स्ट्राइप प्रॉमिस के अंदर स्ट्राइप को लोड करो पहले, और अब चाहिए होगा अपने को यहाँ पे डॉट ई एन वी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एस आर सी के अंदर तो नहीं, इसको आप क्या करना यहाँ पे आना, क्लिक करोगे आप पहले इन सबको बंद कर देना आप, इसके बाद इस जगह पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको डॉट ई एन वी नाम से एक फाइल क्रिएट कर देनी है। यहाँ पे आपको जो नाम देना है वो यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिक की इस तरीके से आप, या फिर पब्लिक एपीआई की आप इसको नाम दे सकते हो। आपको आना है यहाँ पे इस जगह पे, इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद अपने को यहाँ पे पेस्ट, चेकआउट डॉट जे एस में जाना है और लोड स्ट्राइप के अंदर प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट, यहाँ से ले लेते हैं डॉट ई एन बी में से, यहाँ से इसको कॉपी, चेकआउट डॉट जे एस में जाके यहाँ पे पेस्ट, ठीक है इतना कर दिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे आना है और यहाँ से रिटर्न कर देना है किस चीज़ को, जो स्ट्राइप प्रॉमिस नाम का वेरिएबल बनाया इसको आपको रिटर्न कर देना है। और इसके नीचे आगे कॉन्स्ट स्ट्राइप नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल जो क्या करेगा, जो इसको कॉल कर देगा, ये जो गेट स्ट्राइप नाम से जो फंक्शन आपने बनाया है इस फंक्शन को वो कॉल कर देगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब अवेट के यहाँ, अवेट के लिए यहाँ पे एरर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे आपको अवेट स्ट्राइप डॉट रीडायरेक्ट टू चेक काउट फंक्शन को कॉल कर देना है। इस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपको देना है मोड, और मोड के अंदर आपको पेमेंट सेट करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आइटम को यहाँ पे पास करना है, जो आइटम मिलेगा आपको इस जगह से, तो आप यहाँ पे लाइन आइटम्स नाम से इस तरीके से आप पास कर सकते हो, और यहाँ पे इसके नीचे आपके इस लाइन आइटम्स को आपको पास कर देना। इसके बाद आप दे देना यहाँ पे सक्सेस एस यू डबल सी ई डबल एस, और यहाँ पे यू आर एल, यू आर एल सक्सेस यू आर एल, और ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना देखो यहाँ पे आपको डॉलर करली ब्रैकेट और यहाँ पे विंडो, विंडो डॉट आप लगोगे तो यहाँ पे लोकेशन डॉट ओरिजिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेरी के रूप में आपको क्या करना है, सेशन अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे आपको चेकआउट जो आपको मिलेगा, चेकआउट के अंदर ही आपको मिलेगी सेशन, सेशन आईडी आपको चेकआउट के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद आपको इसके नीचे आना है, कैंसल यू आर एल आपको यहाँ पे दे देना है, और कैंसल यू आर एल के अंदर आप क्या दोगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन, अगर कैंसिल भी होगा तो आपका इस जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, कॉन्स्ट गेट स्ट्राइप इस जगह पे खुला इस जगह पे, और यहाँ पे रिटर्न प्रॉमिस, तो अपने से गड़बड़ ये हुई है कि रिटर्न प्रॉमिस के बाद मुझे यहाँ पे इसको इसको बंद करना था, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपने बनाया यहाँ पे पहले लोड स्ट्राइप को लिया स्ट्राइप में से, इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, यहाँ पे नल, और यहाँ पे आपने इस फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल दी, एक काम इसको अंदर वैल्यू नहीं डालनी है, इसके अंदर से निकाल के इसको यहाँ पे चेकआउट के अंदर रखना है, ठीक है। एक बार रीचेकिंग जरूर कर लिया करो, अगर कोई एरर आपको आती है तो यहाँ पे इसको लाइन आइटम को इसके अंदर डालना था, गेट स्ट्राइप को आपको इस तरीके से फंक्शन को बनाना है, अगर स्ट्राइप प्रॉमिस नहीं है तो इस तरीके से आपने इसको कॉल कर दिया, और ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है, बस इतना करना था। इसके बाद आपको वापस से अपने पेज डॉट जे एस के अंदर आना है,
यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इम्पोर्ट इस चेकआउट को आपको इम्पोर्ट कर लेना है। चेकआउट को इम्पोर्ट कर लिया, अब यहाँ पे इस जगह पे आना है, इस जगह पे आपके ऑन क्लिक जो फंक्शन आप बनाने वाले थे इस फंक्शन को आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर आप करोगे एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, और वहाँ पे आप एक चीज़ पास करना चाहते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे चेकआउट फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइन आइटम्स नाम से आपको जो है एरे पास कर देना है। इस एरे के अंदर आपको प्राइस पास करना है। अभी प्राइस कहाँ से मिलेगा, प्राइस आपको मिल जाएगा इस जगह से, जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो भी आपने प्रोडक्ट ऐड किया होगा, तो प्रोडक्ट ए वाला प्रोडक्ट जैसे मेरे पास है, तो इसके अगर मैं डबल क्लिक किया मैंने, तो नीचे अगर जब मैं आऊँगा तो ये देखो अपना प्रोडक्ट का API ID मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल दूँगा, इसके बाद मुझे यहाँ पे देना है क्वान्टिटी, तो यहाँ पर QUANTITY क्वान्टिटी की वैल्यू बंद कर देता हूँ। बस इतना मुझे इसके अंदर सेट करना था। अब मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा, इस जगह पे जाऊँगा, इसके ऊपर मैं रीलोड कर दूँगा, और रीलोड करने पे सबसे पहले कंसोल में चेक करूँगा कोई एरर है क्या। यहाँ पे कंसोल के अंदर देखते हैं क्या कुछ एरर है। इमेज इज मिसिंग अल्ट, तो इस इमेज को ऑल्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्सल अभी देखते हैं, नहीं कोई भी एरर नहीं है। तो अभी दोबारा से इधर आ जाएंगे, यहाँ पे बाई नाउ की पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देखो यू मे टेस्ट टू स्ट्राइप डॉट जेएस, मतलब अपना जो है टेस्टिंग मोड वाला स्ट्राइप अपना जा चुका है। अब यहाँ पे आपको ईमेल डालने का मौका मिला है, तो इस वाली ईमेल को मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पर आप 42 और जो टेस्टिंग वाला जो कार्ड होता है उसको मैंने यहाँ पर दिया, और इसको 12-23 और इसको 1-2-3, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिंपली JS YouTube पे के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा समय, और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपके सेशन ID भी आपको मिल चुकी है। यहाँ पे जाते हैं पेमेंट के अंदर जाते हैं, थोड़ा ये समय लेगा, लेकिन ये आप देखो जिस ईमेल आईडी के द्वारा आपने अभी किया था वो ईमेल आईडी के द्वारा हो चुका है, और सिंपली JS YouTube आपको देखने के लिए मिल गया। तो कितना जाना इजी था आपका इस तरीके से क्लाइंट साइड पे स्ट्राइप को अप्लाई करना, लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था। स्पेशली नेक्स्ट JS 13.4 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अभी कुछ समय बाद मैं और नई नई वीडियो बनाऊंगा। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं QDD लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मतलब आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर एक एक करके स्टेप करके आप इस चीज़ों को सीखोगे। काफ़ी लोग बोल रहे थे कमेंट में कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट लेके आओ, बिल्कुल दे दूंगा मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट, लेकिन फिर आपको वो प्रॉब्लम आएगी कि पूरा प्रोजेक्ट तो आपने बना लिया, लेकिन अगर खुद से आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर अगर डालना है या फिर कोई नया फंक्शनैलिटी अपने ऐप के अंदर इंक्लूड करनी है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है कि पहले एक एक सारी फीचर और फंक्शनैलिटी के बारे में आपको बता दूँ कि नेक्स्ट JS के साथ कैसे काम किया जाता है, उसके बाद कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर लाइक और कमेंट आप जरूर करना, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही मुझे मालूम पड़ता है कि क्या नया लेके आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।